हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू टैली डिजिटल क्लास। दोस्तों, आज फिर मैं आपको एक नए अपडेट के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम यहाँ पर आज डिस्कस करने वाले हैं कि बीकॉम में जिसने अभी अभी एडमिशन लिया है, बीसीए में जिसने एडमिशन लिया है और बीबीए में जिसने रजिस्ट्रेशन लिया है, मतलब कि अभी ये करंट ईयर में जिसने एडमिशन लिया है गुजरात यूनिवर्सिटी में, उसके लिए एक नया अपडेट आया है। मैं आपके सामने आज यहाँ पर शेयर करने वाला हूँ जी। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मेरे आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल टैली डिजिटल क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बाजू में भी आते बेल आइकन को भी दबा लें ताकि नए अपडेट्स आपको मिलते रहे। तो मैं आज के इस वीडियो लेक्चर में आपको बताने वाला हूँ गुजरात यूनिवर्सिटी में बीकॉम में जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन लिया था उनका सेकंड राउंड डिक्लेयर हो चुका है। जो लोग फर्स्ट राउंड में जिनका एडमिशन नहीं हुआ था उनके लिए एक गुजरात यूनिवर्सिटी ने एक और मौका दिया है सेकंड राउंड में एडमिशन के लिए, तो उसके बारे में हम यहाँ पर आज देखते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर गुजरात यूनिवर्सिटी पे चले जाएंगे तो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि सेकंड राउंड हैज़, देखिए यहाँ पर दिख रहा है सेकंड राउंड अलॉटमेंट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड। सेकंड राउंड जो है वो यहाँ पर डिक्लेयर हो चुका है। यहाँ पर दिया गया है कि जिस लोगों ने रीशफलिंग, मतलब कॉलेज जिसने फर्स्ट राउंड में जिसका नाम नहीं आया था उसने कॉलेज चेंज करा था, वो फिर भी अगर उसका नाम नहीं आया तो उसने जो पहले कॉलेज सिलेक्ट की थी उसके हिसाब से ही उसका अलॉटमेंट होगा। तो ये इन्फॉर्मेशन दी गई है यहाँ पर, जिन लोगों का फर्स्ट राउंड में नाम नहीं आया उनका सेकंड राउंड में नाम आया होगा। अगर फिर भी अगर किसी का सेकंड राउंड में नाम नहीं आता तो उनको कोई भी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। थर्ड राउंड और भी पढ़ने वाला है। थर्ड राउंड ऑफलाइन होगा, ये ऑनलाइन नहीं होता दोस्तों। और जिन लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रह गया था उनके लिए भी एक मौका है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा ले। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अगर नहीं करवाया तो उनके भी पास मौका है। तो आज अलॉटमेंट हो चुका है तो आपको 3 दिन दिए जाएंगे। देखिए मैं टेबल में चलता हूँ, देखिए ये शेड्यूल राउंड 2, आज डेट है 22 डेट है आज यहाँ पर। तो यहाँ पर दिया गया है डिपोजिशन ऑफ ट्यूशन फीस कोटक महिंद्रा बैंक। तो आपको कोटक महिंद्रा बैंक में आपका अगर नाम आ गया है सेकंड राउंड में तो आपको 22 से 25 तारीख के अंदर आपको कॉलेज की फ़ी भर देनी है। जो 500 रुपये यूनिवर्सिटी की भी फ़ी है वो कोटक महिंद्रा बैंक में आपको जाकर भर देनी है। देखिए लास्ट डेट 25 है, पर दोस्तों मैं आपसे कहता हूँ कि लास्ट डेट की राह न देखें, आज हो सके तो आज ही भर दें। और इसके बाद रिपोर्टिंग ऑफ रिस्पेक्टिंग कॉलेज विद नेसेसरी डॉक्यूमेंट, ये देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट यहाँ पर बताई है। फिर भी आप एक बार यूनिवर्सिटी में जाकर इंक्वायरी कर सकते हैं या तो फिर कॉलेज में जाकर इंक्वायरी कर सकते हैं। उसकी डेट जो बताई गई है 24 से 26 डेट यहाँ पर बताई गई है। और डिस्प्ले ऑफ वैकेंट सीट आफ्टर राउंड 2, तो यहाँ पर जो आपका लास्ट जो फाइनल सेकंड राउंड है जिसमें आपकी कॉलेज अलॉट होगी वो यहाँ पर दिया गया है 28/6। तो 28, फिर भी मैं आपसे कहता हूँ कि आज आपका नाम नहीं आया, आपको चेक करना है आज कि आपने जो कॉलेज सिलेक्ट की थी वो सही है या नहीं है, वो आपको ध्यान देकर सुन देख लेनी है। और 28 तारीख सेकंड राउंड डिस्प्ले होगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में आपको समझ में आ गया होगा ये 28 डेट लास्ट डेट है। 28 डेट के बाद अगर समझो कि इसमें भी अगर आपका सेकंड राउंड में अगर एडमिशन नहीं होता तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत तो नहीं है। थर्ड राउंड आने वाला है दोस्तों, थर्ड राउंड में ऑफलाइन होगा, वो आपको गुजरात यूनिवर्सिटी जाकर आपने जो ऑनलाइन फॉर्म भरा था वो फॉर्म की प्रिंट निकाल कर सब डॉक्यूमेंट लेकर यूनिवर्सिटी जाना है और वहाँ पर ही आपका एडमिशन
कॉलेज सिलेक्ट हो जाएगी। आपको जो कॉलेज में जाना चाहते हैं वो कॉलेज आप वहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस छोटे से वीडियो में मैंने आपको बताया सेकंड राउंड जो है डिक्लेयर हो चुका है। तो इसके और भी मैं आपको बता दूं कि मैं गुजरात यूनिवर्सिटी की अपडेट, एजुकेशन की अपडेट और जो भी गवर्नमेंट की GST वगैरह की जो भी अपडेट होती है वो मैं आपको लाकर आता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना ना भूलें। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में।